इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से आ रही जहां पे चुनावी तैयारी में जुटी है कांग्रेस, और आज से कांग्रेस के बूथ चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बस्तर संभाग से होगी बूथ चलो अभियान की शुरुआत। जनता से सीधा संवाद बनाने की कोशिश करेगी कांग्रेस, और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सशक्त। तो चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है कांग्रेस, और हर एक कदम वो उठाया जा रहा है जिससे कि जनता से कनेक्ट हो जाए। आज से कांग्रेस के बूथ चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बस्तर संभाग से ही बूथ चलो अभियान का आगाज होने जा रहा है। जनता से सीधा संवाद बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से। नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, आज से कांग्रेस की तरफ से ये अभियान का आगाज किया जा रहा है, लेकिन शुरुआत बस्तर से ही हो रही है। कितना इंपॉर्टेंट है बस्तर? देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर कोई भी सरकार बनती है तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो ध्यान आकर्षित जो है बस्तर से करती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इसको लेकर जुट गई है। 2023 चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, 5 महीने का वक्त बचा है। इसके बाद लगातार जो कांग्रेस सरकार है वो लगातार चुनावी तैयारियों में जुट गई है, तरह तरह के अभियान करते नजर आ रही। इसके पहले हमने देखा कि प्रशिक्षण शिविर, कार्यकर्ता सम्मेलन, तमाम प्रकार के कार्यक्रम किए। वहीं अब आज से कांग्रेस का एक नया कार्यक्रम शुरू होने वाला है जिसका नाम है बूथ चलो अभियान। बस्तर से इसकी शुरुआत होगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम साफ तौर पर बूथ जाएंगे, उनके साथ तमाम वहाँ के क्षेत्रीय विधायक कार्यकर्ता भी रहेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आने वाले इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बस्तर से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से तमाम विधानसभाओं में यह कार्यक्रम जारी रहेगा। बस्तर में आज मोहन मरकाम शिरकत करते नजर आएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, बूथ में जाएंगे, किस प्रकार की क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन समस्याओं से किस प्रकार से अवगत होंगे, कार्यकर्ताओं भी उनको अवगत कराएंगे, और आने वाले चुनाव में क्या नुकसान हो सकता है, इन तमाम बातें भी लगातार सामने आएंगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। बस्तर से इसकी शुरुआत होगी, बस्तर से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और बस्तर के बाद जो तमाम, चाहे सरगुजा संभाग हो, दुर्ग संभाग हो, बिलासपुर संभाग हो, तमाम संभागों में लगातार कांग्रेस जाएगी। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम करेगा। फिलहाल इन दिनों मोहन मरकाम जो है बस्तर दौरे पर हैं, लगातार बस्तर की आम जनता से लगातार भेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से आम जनता को साध रहे हैं, आने वाले चुनाव में किस प्रकार से केंद्र की विफलताएँ और राज्य की उपलब्धि को लोगों तक पहुंचाना है, इन विषयों पर लगातार मोहन मरकाम काम करते नजर आ रहे हैं। बूथ चलो अभियान की शुरुआत है, और निश्चित तौर पर 12 बजे से इसकी शुरुआत होगी। लगातार देखना होगा कि बूथ चलो अभियान में किस प्रकार की बातें सामने होगी। फिलहाल 12 बजे से इसकी शुरुआत होगी, और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में जो कार्यकर्ता है वो लगातार घर घर जाएंगे और आम जनता को साधने का प्रयास करेंगे। जी